वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन करीबन 4 मार्क का आएगा, या तो आंसर इन ब्रीफ में आएगा 4 मार्क का, या अटेम्प्ट द फॉलोइंग जो 5 मार्क का आ सकता है। 4 या 5 पकड़ लो, 8 मार्क का ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम एक एक करके देखते हैं कौन कौन से जरिए हैं वेज या मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लोक अदालत। नाउ सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, लोक अदालत को पीपल्स कोर्ट भी बोलते हैं। ये देखा जाए तो अपने लीगल सिस्टम में सबसे बेस्ट तरीका है बहुत सारे कोर्ट केसेस को इंस्टेंटली सॉल्व करने का। अब होता क्या है, मैं मेरा खुद का एग्जांपल दूंगा। मुझे पता नहीं चला है, एक बार मेरे गाड़ी का नो पार्किंग जोन में थी, उधर शायद बोर्ड नहीं था या मेरी गलती होगा, तो किसी ने फोटो खींच दिया, पुलिस ट्रैफिक पुलिस ने, और बाद में मुझे मैसेज आया आपको आना पड़ेगा। तो मुझे समझा नहीं, ठीक है, फिर एक बार मैसेज आया इस तारीख को लोक अदालत है, आप आओ और सस्ते में हो जाएगा, ऐसे मैसेज आया। मुझे सीखना था और मुझे पता था गलती हो गई है कैसे, तो भरना तो पड़ेगा। तो लोक अदालत में मैं गया। अब क्या सीन था मैं बताता, लोक अदालत में करीबन 3 4 लोग साथ में बैठे रहते हैं। आप, मेरा ट्रैफिक का केस था, ठीक है ना, नो पार्किंग का। मेरे पहले कुछ 15 20 लोग थे, तो मैं देख रहा था। तो एक का लाइसेंस और इंश्योरेंस, उसने बोला 9600 होता है, ऐसे कुछ तो बोला, ठीक है, 7600 भरोगे, उसने बोला हाँ, 2000 उसके बच गए, गवर्नमेंट का तुरंत सेटल हो गया, गवर्नमेंट को तुरंत पैसा मिल गया। दो दो पांच पांच मिनट में केस निपट रहे थे वहां पे। लोक अदालत में जो ग्रीवियंस, उसमें मैंने, जब मैं जा रहा था तो कोई डिवोर्स केसेस का भी सेटलमेंट वहां पे हो सकता था, ठीक है, और वहां पे कोई बिजनेस के भी इश्यू सेटल हो सकते थे। और मेरा टर्न आया, भाई 500 रुपये आपका है, मेरा यस सर, नो पार्किंग का फाइन है, 300 भरोगे, मतलब ओके सर, 300 भरा और क्लियर। तो नो पार्किंग में मेरा एक बार हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आपका 5 10 मिनट में खत्म, फिर उन्होंने कागज दिया, जाके पैसा भरा, मैटर क्लोज। कितना अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के, बस के, रेलवे के, इंश्योरेंस कंपनीज के, वो ओ माई गॉड पिक्चर देखिए ना, जैसे कोर्ट में केस चलता रहता है, वो लोग अदालत में जाओ, आपस में सेलर बायर बैठो, बीच में जज रहेगा, तुरंत के तुरंत सेटल और मैटर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो लोक अदालत आज के तारीख में वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस के लिए है, कि कितने सालों से रखड़ रहे केस, कितने लोगों के 9 9 हजार, आपने लाइसेंस और इंश्योरेंस लेगा तो 8 8 9 9 हजार लगता है, 2 2 3 3 हजार कम करके सेटल हो रहा था। लेकिन एक ने बोला मैं आज नहीं कल दे पाऊंगा, उसने बोला सॉरी, जो आज ही करना है, आप जब तक पैसा नहीं भरोगे वो क्लियर नहीं होगा। तो फटाफट लोग घर जाओ, उससे बोला अभी नहीं लेकर आओ, उसने बोला ओके। कितना बढ़िया तरीका है लोक अदालत का। मैं मानता हूँ लोक अदालत आज के तारीख में सोल्यूशन के लिए सबसे बेस्ट है। आप सालों साल कोर्ट में रखड़ रहे हो, केस लड़ रहे हो, अभी सामने जाओ लोक अदालत में, सेलर बायर जो भी दो पार्टी से बैठो, बीच में जज, उधर के उधर सेटल करो, खत्म करो, कितना अच्छा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये पीआईएल बहुत काम की चीज है। मुझे लगता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या होता है, तुमको लगता है कि एक मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कोर्ट ऑफ लॉ में, जैसे कि अभी ठंडी है, बहुत ज्यादा ठंड है, तो आपको लगता है कि गरीब लोग के लिए कोई तो शेल्टर होना चाहिए, तो आप एक पीआईएल डालते हो कि बहुत सारे रोड में सोने वाले लोग हैं, उनकी जान खतरे में, और यदि ये नेशनल इंटरेस्ट या जनरल इंटरेस्ट का है तो वो स्वीकारा जाए, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट है, कुछ लोगों ने डाल दिया पीआईएल ऐसे टाइम पास, 10 लाख रुपए का फाइन लगाया, तुम टाइम पास कर रहे हो कोर्ट के साथ, तुम जेन्युइन पीआईएल डालो। पीआईएल क्या होता है, तुम कोर्ट में नहीं जा रहे हो, या तुम एक ऐसा, तुमको लगता है कि इस एरिया में पार्क की जरूरत है, तुमने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को, कुछ नहीं हुआ, तो एक कोर्ट में स्पेयर डाल दिया कि यहाँ पे पार्क
क्यों नहीं हो रहा है, उसका कारण ऐसा। तो इट इज फाइल्ड इन द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह पे फाइल किया जा सकता है, कुछ सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस में। एक्सेप्ट हो गया तो उस पर डिस्कशन होगा, नहीं हुआ तो कट जाएगा। लेकिन नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट को लगा ये अपने आप को ज्यादा स्मार्ट बन रहा है तो फाइन लगेगा। सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर है इस मामले में, तुम ऐसे टाइम पास पीएल, सुप्रीम कोर्ट का टाइम इंपॉर्टेंट है भाई, तुम ऐसे कोई भी क्या नहीं कर सकते। ट्रैफिक पुलिस एक के बजाय दो चाहिए तो तुमको फाइन जरूर लगाएगा कि भाई हो रहा ना काम, गवर्नमेंट से जाकर बात करो, हमसे क्यों बात कर। तीसरा, रिड्रेसल फोरम्स, कितने रिड्रेसल फोरम्स है अपने देश में? 3। महाराष्ट्र में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 36। अभी तो और बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बढ़ सकता है, क्राउड बढ़ता है, पॉपुलेशन बढ़ता है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, फिर पूरे स्टेट में एक स्टेट कमीशन, और पूरे देश के लिए एक, उसको क्या बोलेंगे, नेशनल कमीशन। ऐसे 3 है। तुम डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 1 करोड़ से कम के केसेस में जाओगे, स्टेट कमीशन में 1 से 10 करोड़, नेशनल कमीशन में 10 करोड़ के ऊपर वाले केसेस लेके जाओगे, ठीक है? तो रिड्रेसल फोरम्स भी हैं, 2019 में अच्छा खासा बनाया हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल, ये सबके कमीशन बनाया हुआ है। फिर अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे 15 मार्च को इंटरनेशनल कंज्यूमर्स डे है, 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे है भारत में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें सबसे बेस्ट कैंपेन कौन सा है, बोल सकता है? जागो, ग्राहक जागो, ये अब तक का सबसे बेस्ट कैंपेन। और एक और है ज्वेलरी का, हॉलमार्क ज्वेलरी भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से उसको अवेयरनेस कराया है। तो अवेयरनेस कैंपेन भी जरूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कंज्यूमर को राइट्स पता चले। आज आपको कुछ प्रोडक्ट में दिक्कत आ रहा है, सेलर मान नहीं रहा है, तो आप कहाँ जा सकते हो, कंज्यूमर फोरम में जा सकते हो ना। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे कोई ग्रुप है, आप ग्रुप के पास गए, आपको डर लग रहा है, आप बिल्डर के अगेंस्ट अकेले कैसे खड़े रहोगे, आप कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के पास गए तो फिर आपको मजबूती मिलता है। आ रहे समझ में? जैसे आप वर्कर है, वो मैनेजमेंट को बोलता है आप गलत हो, इसके बजाय ट्रेड यूनियन को बोलता है हम मिलकर फाइट करेंगे, तो ट्रेड यूनियन मजबूत होता है ना फाइट करने के लिए। तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अच्छे, इससे कंज्यूमर मूवमेंट स्ट्रांग होता है देश का। मतलब सेलर को क्वालिटी देना होगा, प्राइस फेयर होना चाहिए। कंज्यूमर वेलफेयर फंड, गवर्नमेंट ने कंज्यूमर वेलफेयर फंड भी बनाया, जिसमें ट्रेनिंग, रिसर्च, कंज्यूमर एडुकेशन, कंप्लेन हैंडलिंग, काउंसलिंग, गाइडेंस मैकेनिज्म, प्रोडक्ट टेस्टिंग लैब्स। क्योंकि जब आपको प्रोडक्ट डिफेक्टिव लगता है, वो डायरेक्ट नतीजा नहीं, कोर्ट वो प्रोडक्ट को टेस्टिंग लैब में भेजेगा। क्या होता है, लैब से रिपोर्ट आया कि कुछ तो डिफेक्टिव है, तो फिर वो आगे मैटर बढ़ेगा। प्रोडक्ट ठीक है तो फिर वो मैटर आगे नहीं बढ़े। फिर कायदे भी बनाए गए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 55, अलग अलग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, अलग अलग एक्ट भी गवर्नमेंट ने बनाया। तो ये था वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आई होप वीडियो पसंद आया, तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।